Realme Narzo 70 Pro vs iQOO G9s, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट मोबाइल है अंडर 20 के? अगर आपका बजट है अंडर 20 के तो दोनों ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, पर किस पॉइंट से, मतलब कैमरा, प्रोसेसर, तो सारी चीज़ों को देखेंगे एक एक कर इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों का प्रोसेसर की। जो iQOO G9s है उसमें हमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसका IntuTu स्कोर 7 लाख के आसपास आता है। पर वहीं पे जो Realme Narzo 70 Pro है उसमें हमें MediaTek का Dimensity 7050 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इसका IntuTu स्कोर 6 लाख के ऊपर आता है। और दोनों में ही हमें LPDDR4X RAM देखने को मिल जाता है, पर यहाँ पे UFS 3.1 Realme Narzo 70 Pro में देखने को मिल जाता है और UFS 2.2 हमें iQOO G9s में देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पे iQOO G9s में हमें थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इन दोनों के डिज़ाइन की, तो यहाँ पे जो iQOO G9s है उसका थिकनेस हमें 7.49 mm देखने को मिल जाता है और वहीं पे Realme Narzo 70 का हमें 7.97 mm देखने को मिल जाता है। बात करें इन दोनों के वेट की, तो Realme Narzo 70 Pro है वो 198 ग्राम के देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा ग्लास बैक होने के चलते। और जो iQOO G9s है उसमें हमें प्लास्टिक बेल्ट देखने को मिल जाता है, इसके चलते वो 180 ग्राम के आसपास वेट करता है। दोनों ही दो कलर में देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें IP रेटिंग की, तो यहाँ पे iQOO G9s हमें IP64 के साथ आता है और वहीं पे Realme Narzo 70 Pro यहाँ पे IP54 के साथ आता है। बात करें इन दोनों के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे Realme Narzo 70 Pro हमें 6.67 इंचेस का 128 का AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जिसका ब्राइटनेस हमें 2000 nits का देखने को मिल जाता है। ये HDR10 भी सपोर्ट करता है। वहीं पे जो iQOO G9s है उसमें हमें 6.77 इंचेस का 128 का AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाता है और ये भी 120 हर्ट्ज़ का है, इसमें भी हमें HDR10 प्लस सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें हमें 1800 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इन दोनों का मल्टीमीडिया की, तो दोनों में हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। Realme Narzo 70 Pro में हमें 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है और Dolby Atmos का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पे मल्टीमीडिया में थोड़ा सा एज हमें Realme Narzo की तरफ देखने को मिल जाता है। अगर थोड़ा डिजाइन भी देखें तो यहाँ पे Realme Narzo हमें अच्छा देखने को मिल जाता है विथ ग्लास बिल्ट। बात करें इन दोनों के कनेक्टिविटी की, तो जो Realme Narzo 70 Pro है उसमें हमें 9 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं, Wi-Fi 6 देखने को मिल जाता है और हमें ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिल जाता है। और वहीं पे जो iQOO G9s है उसमें हमें 8 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं, Wi-Fi 6 देखने को मिल जाता है और ब्लूटूथ 5.4 देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ही हमें सेम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हम बात करें इन दोनों के बैटरी की, यहाँ पे iQOO G9s है उसमें 5500 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है विथ 44 वाट चार्जिंग और यहाँ पे जो Realme Narzo 70 Pro है उसमें हमें 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है विथ 67 वाट चार्जिंग। पर जो बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही सेम बैटरी बैकअप दे देते हैं। अगर मेन पॉइंट देखें इन दोनों का कैमरा की, तो यहाँ पे Realme Narzo 70 Pro हमें थोड़ा सा अहेड देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिल जाएगा। दोनों का कैमरा सेटअप की बात करें, तो यहाँ पे जो iQOO G9s है उसमें हमें 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसे हम 4K 30fps से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर वहीं पे Realme Narzo 70 Pro के कैमरा सेटअप की बात करें, तो यहाँ पे हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि 50 मेगापिक्सल का IMX890, जो कि काफ़ी अच्छा सेंसर है, इससे पिक्चर क्वालिटी भी अच्छा देखने को मिल जाता है। और वहीं पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। तो यहाँ पे कैमरा के मामले में थोड़ा सा Realme Narzo 70 Pro आगे देखने को मिल जाता है। अगर दोनों के फ्रंट कैमरा की बात करें, तो दोनों में ही हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे हम 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर इन दोनों का प्राइस की ही बात करें, तो यहाँ पे Realme Narzo 70 Pro का हमें 8+128GB का 18 के देखने को मिल जाता है, 8+256GB का 19 के देखने को मिल जाता है। पर वहीं पे जो iQOO G9s है उसमें हमें 8+128GB का 20 के देखने को मिल जाता है और 8+256GB का 21 के देखने को मिल जाता है। यहाँ पे प्राइस के हिसाब से भी Realme Narzo 70 Pro बेटर है। तो अगर हम प्रोस एंड कॉन्स की बात करें दोनों में से, तो जो यहाँ पे हम देखें डिज़ाइन में, तो iQOO G9s में प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाएगा और वहीं पे जो Realme Narzo 70 Pro है उसमें हमें ग्लास बिल्ड देखने को मिल जाएगा। दोनों के अगर बैटरी की बात करें, दोनों ही सेम बैटरी बैकअप दे देंगे हमें, दोनों का कनेक्टिविटी सेम मिल जाता है हमें। पर जो यहाँ पे Realme Narzo 70 Pro है उसमें हमें 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाता है विद Dolby Atmos। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों का ही हमें सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद 120Hz AMOLED स्क्रीन। अगर इन दोनों का परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पे Realme Narzo 70 Pro थोड़ा सा पीछे रह जाता है
मतलब ओवर डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा, पर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा iQOO G9S। अगर कैमरा के मामले में देखें तो यहाँ पे iQOO G9S थोड़ा सा पीछे हो जाएगा Realme Narzo के मुकाबले, मतलब Realme Narzo Pro कैमरा के लिए एक नंबर फ़ोन रहेगा अंडर 20K। अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन लेना है तो Realme Narzo 70 की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको एक कर्व डिस्प्ले विथ यूनिक डिज़ाइन और क्या बोलते हैं मतलब सारे चीज़ बैलेंस चाहिए तो आप iQOO G9S की तरफ जा सकते हैं। तो ये था दोनों ही फ़ोन का कंपेरिजन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।